हाउ टू बी चार्मिंग। आकर्षण एक आकर्षक व्यक्तित्व होने की कला है। कुछ लोग एक पल में एक कमरे में प्रवेश करने के लिए दूसरों को आकर्षित करते हैं, जबकि अन्य समय की अवधि में एक आकर्षण के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। जबकि हर कोई प्राकृतिक आकर्षण की अलग अलग मात्रा के साथ पैदा होता है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और सम्मानित किया जा सकता है। आकर्षक होने के लिए अपने दृष्टिकोण और शरीर की भाषा का उपयोग करने का तरीका जानने के लिए आगे पढ़ें। स्टेप वन, हैविंग अ चार्मिंग एटीट्यूड। एक, लोगों में सच्ची रुचि रखें। आपको हर किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किसी तरह से लोगों के लिए उत्सुक या मोहित होना चाहिए। आकर्षक लोग दूसरों से बात करने के लिए, समय बिताने के लिए तैयार लोगों से भरे कमरे में चलते हैं। वे उस पल के इंतजार में दीवार के खिलाफ खड़े नहीं होते जब वे बच सकते हैं। अन्य लोगों के बारे में आपकी क्या दिलचस्पी है? यदि आप सहानुभूतिपूर्ण हैं, तो शायद आप रुचि रखते हैं कि लोग कैसा महसूस करते हैं। शायद आप इस बात में रुचि रखते हैं कि लोग क्या क्या करते हैं या वे किस ज्ञान को रखते हैं। लोगों को जानने के लिए आधार के रूप में अपनी रुचि का उपयोग करें। विनम्र रहते हुए अपने हितों के आधार पर सवाल पूछना सीखें और दूसरों को लगेगा कि वे दिलचस्प हैं। अपनी रुचि को जारी रखने के लिए अधिक प्रश्नों का पालन करें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे कभी भी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि आप वार्तालाप को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। दो, जब आप उनसे पहली बार मिलते हैं तो लोगों के नाम याद रखें। यह अधिकांश लोगों के लिए भारी मात्रा में प्रयास करता है, लेकिन अगर आप आकर्षक बनना चाहते हैं तो यह पूरी तरह से लायक है। अपना परिचय देते समय व्यक्ति का नाम दोहराने से आपको उसे याद रखने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, हाय जैक, आई एम वेंडी। छोटी बातचीत के साथ अनुसरण करें और अपनी बातचीत के दौरान व्यक्ति के नाम का उपयोग करें। जब आप अलविदा कहें तो इसे एक बार फिर दोहराएं। किसी का नाम दोहराना सिर्फ उस व्यक्ति को याद करने में आपकी मदद करना नहीं है। जितना अधिक आप किसी के नाम को कहते हैं, उतना ही अधिक वह व्यक्ति महसूस करेगा कि आप उन्हें पसंद करते हैं और अधिक से अधिक मौका वे आपको गर्म करेंगे। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपसे बातचीत करते समय चलता है तो दो लोगों को नाम से परिचित कराएं। तीन, तालमेल मान लें। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत ही दोस्ताना तरीके से किसी अजनबी या नए परिचित से बात करना, जैसे कि वह व्यक्ति एक लंबा खोया हुआ दोस्त या रिश्तेदार है। यह एक शुरुआती अजीबता को तोड़ने में मदद करता है और नए लोगों से मिलने पर वार्म अप प्रक्रिया को तेज करता है। जल्द ही लोग आपके आसपास अधिक स्वागत और आरामदायक महसूस करते हैं। दया, सम्मान के साथ मिलकर दूसरों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें प्यार किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। यह बातचीत के दौरान एक शक्तिशाली उपकरण है। चार, उन विषयों के बारे में बात करें जो उन लोगों के लिए रुचि रखते हैं जो आपके साथ हैं। यदि आप एक स्पोर्टी भीड़ में हैं, तो कल रात के खेल या नई टीम के उल्कापिंड के बारे में बात करें। यदि आप शौकीनों के समूह के साथ हैं, तो उनके शौक के बारे में पूछें और मछली पकड़ने, बुनाई, पहाड़ पर चढ़ने, फिल्मों आदि से संबंधित उचित टिप्पणी करें। कोई भी आपसे एक विशेषज्ञ होने की उम्मीद करता है। कभी कभी आप सिर्फ सवाल पूछकर तालमेल बना सकते हैं, और अगर आप भूले लगते हैं तो परवाह नहीं करते। ऐसे लोग हैं जो अपने हितों के बारे में बात करना और समझाना पसंद करते हैं और सुनने के लिए आपको पसंद करेंगे। यह उन विषयों में संलग्न होने के लिए आपकी रुचि और इच्छा का स्तर है जो आपको एक दिलचस्प व्यक्ति बनाता है। खुले दिमाग से व्यायाम करें। दूसरों को समझाने का काम करते हैं। यदि कोई गलती से आपको लगता है कि आप विषय के बारे में अधिक जानते हैं, तो वास्तविक बने और बस यह कहें कि आपका ज्ञान सीमित है, लेकिन आप इसके बारे में अधिक जानने की उम्मीद कर रहे हैं। पाँच, अपने बारे में जानकारी साझा करें। अपने बारे में शांत रहना आपको स्टैंड ऑफिश लगता है। अपने बारे में उतना ही साझा करना जितना आप दूसरों से साझा करने के लिए कहते हैं, अन्य लोगों के साथ विश्वास बनाने का एक तरीका है। वे विशेष महसूस करेंगे क्योंकि आप उनके साथ अपने जीवन के बारे में बात करना चाहते थे और इससे पहले कि आप जानते हैं कि आपके नए दोस्त होंगे। स्टेप टू, वील्डिंग फिजिकल चार्म। एक, आँख से संपर्क करें। लोगों को सीधे आंखों में देखने से आपको उन पर एक निश्चित पकड़ मिलती है।
यह आपके अंत पर विश्वास को प्रोजेक्ट करता है, जबकि आप जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं उसे लगता है कि वे काफ़ी दिलचस्प हैं। बातचीत के दौरान नज़र रखें। 5. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, व्यक्ति की आंखों को पकड़ना आपको अधिक आकर्षक लगेगा। 2. अपनी आंखों से मुस्कुराओ। वैज्ञानिकों ने 50 से अधिक प्रकार की मुस्कुराहट को इंगित किया है, और शोध से पता चलता है कि सभी की सबसे ईमानदार मुस्कान डचेनी मुस्कान है, एक मुस्कान जो आंखों में धकेल देती है। इसका कारण अधिक वास्तविक है, क्योंकि हमारी आंखों से मुस्कुराने के लिए आवश्यक मांसपेशियों को अनैच्छिक है, वे केवल एक प्रामाणिक मुस्कुराहट में व्यस्त हो जाते हैं, न कि एक शिष्ट मुस्कान में। इसके अलावा, यदि आप किसी को देखते हैं और फिर मुस्कुराते हैं, तो यह तुरंत उन्हें आकर्षित करेगा। 3. एक फर्म हाथ मिलाना। जब आप पहली बार उनसे मिलते हैं, तो किसी व्यक्ति का हाथ मिलाते हुए, यह दिखाने का विनम्र तरीका है कि जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं। एक फर्म पकड़ का उपयोग करें, लेकिन बहुत तंग मत पकड़ो, आप उस व्यक्ति के हाथ को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। एक अच्छे शेक के बाद अपनी पकड़ से उस व्यक्ति के हाथ को मुक्त करें। जिन क्षेत्रों में हाथ मिलाना प्रथागत नहीं है, किसी व्यक्ति से बात करने में रुचि दिखाने के लिए एक अलग उपयुक्त शारीरिक हावभाव का उपयोग करें। दोनों गालों, एक धनुष या किसी अन्य शारीरिक हावभाव पर एक चुंबन एक अच्छी शुरुआत करने के बाद बातचीत हो जाता है। 4. आकर्षक बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। उस व्यक्ति का सामना करें जिससे आप बात कर रहे हैं, ताकि ऐसा न लगे कि बातचीत खत्म होते ही आप दूर चलने के लिए उत्सुक हैं। बातचीत के दौरान इसे चलते रहने के लिए हल्के स्पर्श का उपयोग करना उचित हो सकता है। आप उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के कंधे पर हल्के से स्पर्श कर सकते हैं। बातचीत के अंत में यह तय करें कि क्या एक त्वरित हग या एक और हैंडशेक देना उचित है। 5. अपने स्वर और आवाज की गति को नियंत्रित करें। आपकी आवाज कोमल और शांत होनी चाहिए, फिर भी प्रत्यक्ष। बहुत तेजी से बात न करें, क्योंकि यह आपको परेशान करता है, लेकिन अगर आप बहुत धीमी गति से बात करते हैं, तो लोग सोच सकते हैं कि आप अनजाने में हैं। आपको धीमी गति से बोलने की जरूरत है कि आपके शब्द स्पष्ट हैं, लेकिन धीमे नहीं हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वार्तालाप को खींच रहा है। अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और अपनी आवाज को प्रोजेक्ट करें। एक रिकॉर्डर में तारीफ देने का अभ्यास करें और इसे वापस खेलें। क्या आपकी आवाज ईमानदार है? स्टेप 3. चार्मिंग पीपल विद वर्ड्स। 1. प्रभावशाली वाक्यांशों का उपयोग करें। परिपक्व बने और बुद्धिमान, विनम्र भाषा के एक स्पर्श का उपयोग करें। क्या आप ऐसे लोगों को नहीं खोजते हैं जो कहते हैं कि हेलो लोगों की तुलना में अधिक आकर्षक है जो कि सुप हैं? यहाँ एक और उदाहरण है, बदले यह उसकी कोई नहीं है। यह उसकी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। बेशक इसे ज्यादा मत करो, लेकिन विनम्र बनने की कोशिश करो और हर नकारात्मक को सकारात्मक में बदलो। 2. तारीफों को उदारता से जारी करें। तारीफ दूसरों के आत्मसम्मान को बढ़ाती है और उन्हें आपके प्रति प्यार का एहसास कराती है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो उसे कहने और तुरंत कहने का रचनात्मक तरीका खोजें। यदि आप बहुत लंबा इंतजार करते हैं, तो इसे निष्ठा और बुरी तरह से समय के रूप में देखा जा सकता है, खासकर अगर दूसरों ने आपको इसे पीटा है। यदि आप नोटिस करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज में बहुत अधिक प्रयास कर रहा है, तो उनकी तारीफ करें, भले ही आपको लगे कि सुधार की गुंजाइश है। यदि आप नोटिस करते हैं कि किसी ने खुद के बारे में कुछ बदल दिया है, बाल कटवाने, कपड़े के तरीके आदि, तो इसे नोटिस करें और इसके बारे में कुछ पसंद करें। यदि आपसे सीधे पूछा जाता है, तो आकर्षक रहें और प्रश्न को बहुत सामान्य प्रशंसा के साथ परिभाषित करें। 3. तारीफ स्वीकार करने में अनुग्रह करें। यह मानने की आदत से बाहर निकले कि वास्तविक इरादे के बिना एक प्रशंसा दी जा रही है। यहाँ तक कि जब कोई अवमानना करता है, तो हमेशा अपने दिल में छिपी ईर्ष्या सच्चाई का एक रोगाणु है। तारीफ स्वीकार करने में निपुण बनो। एकमात्र धन्यवाद से आगे बढ़े और इसे मुझे खुशी है कि आप इसे पसंद करते हैं के साथ संलग्न करें, या यह इस तरह का है कि आपने देखा है। बदले में ये तारीफ है। तारीफ करने से बचें। प्रतिक्रिया प्राप्त करने की तुलना में प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। ओह ठीक है, काश मैं उस स्थिति में आपके रूप में थे।
यह कहने के लिए समान है, नहीं, मैं वह नहीं हूं जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आपका निर्णय गलत है। 4. गपशप करने के बजाय दूसरों की प्रशंसा करें। यदि आप किसी के साथ बोल रहे हैं या आप लोगों के समूह में बात कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति के विषय को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से पॉप अप कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में आपकी पसंद का उल्लेख करने वाले व्यक्ति बने। दयालु हो आकर्षण प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि इसे हमेशा 100% ईमानदारी के रूप में देखा जाता है। यह आप में विश्वास पैदा करने का अतिरिक्त लाभ है। यह विचार फैल जाएगा कि आपके पास किसी के बारे में कहने के लिए कभी भी बुरा शब्द नहीं है। हर कोई जानता होगा कि उनकी प्रतिष्ठा आपके साथ सुरक्षित है। 5. एक अच्छे श्रोता बनो। आकर्षण हमेशा एक बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन एक आवक भी है। दूसरे व्यक्ति से अपने या अपने बारे में और अधिक बात करने के लिए संलग्न करें जो उन्हें पसंद है, कुछ ऐसा जो वे स्वयं के बारे में भावुक हों। यह दूसरे व्यक्ति को आपके साथ साझा करने और खुद को व्यक्त करने के लिए अधिक आरामदायक बनाता है। टिप्स: आप जिन लोगों से मिलते हैं उन पर मुस्कुराएं। कभी भी खुद को दूसरे से ऊपर न रखें। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके आसपास कोई पुस्तक गिराता है तो रुक जाइए, उसे उठा लीजिए और विनम्रता पूर्वक यह कहते हुए उन्हें सौंप दीजिए कि मुझे लगता है कि आपने इसे गिरा दिया है। आप देखभाल करने और मदद के लिए तैयार होने के रूप में बाहर खड़े होंगे। दयालु और कोमल बने, जोर से और असभ्य नहीं। सहानुभूति आकर्षण के मूल में है। यदि आप यह नहीं बता सकते हैं कि लोगों को खुश या दुखी करता है, तो आपके पास यह आकलन करने का कोई तरीका नहीं है कि आप सही या गलत बात कह रहे हैं। आपके पास जो आकर्षण है, वह आपकी प्रशंसा की रचनात्मकता पर निर्भर करता है। ऐसा कुछ कहें जो तुरंत स्पष्ट न हो और उसे काव्यात्मक तरीके से कहें। कुछ पूर्वनिर्मित प्रशंसाओं और वाक्यांशों के लिए अच्छा है, लेकिन सबसे आकर्षक लोग उन्हें मौके पर आविष्कार करने में सक्षम हैं। इस तरह आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इसे दोहरा नहीं रहे हैं। यदि आप कुछ भी कहने के लिए नहीं सोच सकते हैं, तो एक वर्तमान घटना को दिलचस्प बनाएं। आपके द्वारा कही गई बातों में कुछ हास्य जोड़ें। ज्यादातर लोग ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो उन्हें हंसा सकता है। आंखों के संपर्क से बचे नहीं। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो उनकी आंखों में देखें। जब आप किसी को नमस्कार करते हैं तो उन्हें महसूस कराएं कि वे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वे अधिक अच्छी तरह से जवाब देंगे और हमेशा जानेंगे कि आप कितने महान व्यक्ति हैं। कोसने से बचें, यह बहुत से लोगों को बंद कर देता है और यह आपको आकर्षक नहीं लगेगा। अपनी मुद्रा में सुधार करें। उन कंधों को वापस फेंक दे और उन्हें छोड़ दे, आराम करें। जब आप चलते हैं तो कल्पना करें कि आप एक फिनिश लाइन पार कर रहे हैं। आपके शरीर को पार करने का पहला हिस्सा आपका धड़ होना चाहिए, न कि आपका सिर। यदि आपके पास खराब आसन है तो आपके सिर को आगे बढ़ाया जाएगा, जो आपको डरपोक और असुरक्षित लगता है। यदि आप महिला हैं तो अपने स्तनों को आगे बढ़ाएं। अजीब लगता है, लेकिन यह आपको उचित आसन सीखने में मदद कर सकता है। यदि अच्छी मुद्रा मजबूर करने के लिए सही नहीं लगती है तो अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें। इनमें आपकी ऊपरी पीठ जाल और लेट, कंधे और छाती शामिल होंगे। आपकी गर्दन जगह पर गिर जाएगी और आपका आसन स्वाभाविक रूप से परिपूर्ण होगा। लोगों को घूरना, थोड़ा मुस्कुराना और जब वे बात कर रहे हों तब सिर हिला दे, ताकि उन्हें पता चले कि आप रुचि रखते हैं। बॉडी लैंग्वेज पर एक किताब पढ़ें। यह न केवल दूसरों की भावनाओं को पढ़ने के लिए मददगार हो सकता है, बल्कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकता है। कम युक्तियाँ दिखाएं। चेतावनी: लोगों को खुश करने के साथ आकर्षक होने का भ्रम न करें। हर बार आपके पास एक राय व्यक्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा जो कुछ अन्य लोग रखते हैं। यह ठीक है, इसे हास्यपूर्ण तरीके से व्यक्त करने पर विचार करें। हास्य चीनी का चम्मच है जो दवा को नीचे जाने में मदद करता है।